क्रेजी सीन, क्रेजी, बहुत ही ज्यादा क्रेजी सीन। मतलब ये मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा महीना गया है ना, पूरा जो मई और जून का महीना गया है, मतलब ये मेरी लाइफ के कुछ ऐसे दिन थे जिसके अंदर मैंने शायद हर तरीके का इमोशन एक्सपीरियंस कर लिया होगा। मतलब मेरे लिए ये जो लॉकडाउन का टाइम है ना, ये मेरे लिए ऐसे ना बिल्कुल ऐसे छप गया है मेरे दिमाग में। इसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, इस टाइम को मैं कभी भी नहीं। इस वक्त में जो जो मतलब मेरे साथ सारे इमोशंस, क्या कहते हैं, मेरे सारे इमोशंस बाहर आ गए हैं इस वाले में। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, खुद नॉर्मल खुश भी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ हूँ। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा सैड भी हुआ हूँ, नॉर्मल वाला सैड भी हुआ हूँ। मुझे गुस्सा भी आया है, मुझे दर्द, सारी चीजें, सारा सब कुछ, पूरी ना ऐसे पूरा एक डेली सोप बन गया है ये, समझ रहे हो तुम। पिछले एक महीने से पूरा डेली सोप चल रहा है। और भैया मैं तो यार देखो, मैं तो ऐसा कैरेक्टर, मैं तो देखो एनीमे बहुत देखता हूँ, ड्रैगन बॉल जी, वन पंच मैन। और देखो एनीमे में तो एक ही चीज बोली जाती है कि उठो और बहुत जोर से उठो, ठीक है। तो पग क्रेजी जर्नी, क्रेजी। बट मैं मतलब मैं तुम लोगों को थैंक, मेरे को समझ में नहीं आता अब ना, मैं इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ, मैं तुम लोगों को थैंक यू कैसे करूँ, आई डोंट नो। द ओनली वे आई नो इज कि मैं मतलब बस अपना काम करते रहूँ, और कोई मुझे तरीका नहीं पता जिससे मैं तुम लोगों को शुक्रिया बोलूँ। क्योंकि जो देखो एक एक्सपेक्टेशन होती है सपोर्ट की, बट मेरे पास नहीं है यार। मैं क्या बोल सकता हूँ तुमको, मैं क्या बोल सकता हूँ। आई लव यू 3,000, आई लव यू 4,000, आई लव यू 10,000, आई लव यू 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख। मैं देर इज नो लिमिट, आई कैन नॉट, अभी उन चीजों के लिए अभी शब्द बने ही नहीं है। अभी मानव विकास होना बाकी है, जब थोड़ा और हो जाएगा तब शायद इन चीजों के लिए, इस इमोशन के लिए शायद तब शब्द बन जाएंगे, तब शायद मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। तो गाइज द न्यूज इज, मेरे को अभी अभी आई है, जस्ट अभी अभी आई है, यलगार इज नाउ अमंग्स द, देखो पहले इसे इसे बताने से पहले देखो देखो मैं इतना कभी भी ना यार, वैसे पर्सनली मैं जब भी कोई चीज बनाता हूँ व्यूज और लाइक्स से ज्यादा मुझे इस चीज की परवाह की लोगों को पसंद आनी चाहिए। तुम समझ रहे हो, बट ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं तो उसके अंदर एक हमारे अंदर ही ना एक प्राउड वाली फीलिंग आती है, तुम समझ रहे हो, बिकॉज़ ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट है, इसीलिए इसीलिए आई थिंक तुम्हें डिजर्व करते हो ये न्यूज़ सुनना। तो यलगार इज नाउ अमंग्स द टॉप 20 मोस्ट वॉच्ड म्यूजिक वीडियोस ग्लोबली इन द फर्स्ट 24 आवर्स। तो मतलब 24 आवर्स में जितनी ग्लोबली पूरे दुनिया में जितनी वीडियोस आई हैं लास्ट 24 आवर्स में, मतलब रिकॉर्ड इसका इज द टॉप 20 मोस्ट वॉच्ड वीडियो। बहनचोद क्या यार, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, क्या कह रही है ये न्यूज़ एग्जैक्टली। अच्छा 24 घंटे में टॉप 20 वीडियोस हैं जिनके 24 घंटे में सबसे ज़्यादा वो आए हैं, क्या क्या कहते हैं, व्यूज़ आए हैं। तो हमारी वीडियो टॉप 20 है, उसमें टॉप 20 में बहनचोद यार, मैं नहीं समझ पा मैं नहीं समझा पा रहा हूँ बहनचोद, ये बहुत ज़्यादा टॉप 20 ग्लोबली, फिर टॉप ओके। तो 24 घंटे में जब कोई म्यूजिक वीडियो जाती है, ठीक है, तो उसके पहले 24 घंटे में जितने व्यूज आते हैं, ठीक है, तो उसका एक रिकॉर्ड है कि किनके सबसे ज्यादा आए हैं। तो ग्लोबली टॉप 20 एक लिस्ट है, उसके अंदर यलगार भी है जिसका मतलब टॉप 20 ग्लोबली हम टॉप 20 वीडियोस में आ चुके हैं जो 24 आवर्स में देखी गई थी। इस वाले 24 आवर्स नहीं, कभी भी जब भी लॉन्च हुई हो वीडियो, समझ रहे हो मैं कहां पर आई होप। अरे समझ गए ना बहन चोद यार, खुशी बनाओ, ठीक है, ये बात हालेलुया हालेलुया, ये बात सुना है, ललकार दे रहा है कोई, कुछ दिन बाद आंसर आएगा, मैं एमसी हूं जो इसमें आया। इसका क्या मतलब है? अच्छा मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली कि क्या कहना चाह रहे हो, पर तुम्हारे अल्फाजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कुणाल काम रख ले दूस अब नहीं भाई, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम और चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते। लॉट्स अब आगे बढ़ते हैं, जिंदगी का एक नया चैप्टर आएगा उसको शुरू करते हैं अब, ठीक है। ये जो सीजन था, ये जो भी था, ये जो भी वक्त होती थी, बहन चो आगे बढ़ो, चलो हो लिया भाई। मेरे माँ बाप मुझे मॉस्को भेज रहे अजय, वो तो अब तुम और तुम्हारा परिवार जाने, उसमें हम क्या कह सकते हैं, हम कोई नहीं होते कहने वाले कुछ। कंग्रेचुलेशन फॉर नंबर वन इंडिविजुअल यूट्यूबर, थैंक यू सो मच भाई आनंद, थैंक यू वेरी वेरी मच। कंग्रेचुलेशन फॉर बीइंग नंबर वन इंडिविजुअल यूट्यूबर इन इंडिया, एंजल कार इज ऑसम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर श्री नारायण चक्रवर्ती, देखो यार आई बिलीव कि एज सच ना कोई ऐसे नंबर्स में इतना ध्यान नहीं देते कौन नंबर वन है कौन नंबर टू है, यहाँ पर जितने ही लोग हैं सभी अपने भाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इधर कुछ कंपटीशन या वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नॉर्मल है। बट सब एक दूसरे के लिए खुश होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, और वही मेरे को बहुत सही लगता है, सब एक दूसरे के लिए खुश होते हैं, ऐसे ऐसे वो जलन वाली फीलिंग नहीं आती, खुश होते हैं, पता नहीं बहुत नेचुरल फीलिंग है। भाई हाउ इट फील्स बीइंग द बिगेस्ट इंडियन यूट्यूबर, भाई उसकी नहीं है यार, जो प्यार मिल रहा है ना उसकी ज्यादा तुम समझते नहीं हो, वो ऐसी फीलिंग है, मतलब मैं अपने आप से ही कभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये कि मैं ही क्यों, मेरी जगह कोई भी हो सकता है, बट मैं ही क्यों, मुझे ही ये सब क्यों मिल रहा है, और मैं ऑब्वियसली इसके लिए खुश हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे डराती भी है कि मैं ही क्यों, क्या क्या स्कीम है ये बहनचोद समझ रहे तुम, ये क्या स्कीम है इसका, मतलब देखो अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है, बट आई हैव टू वॉच आउट फॉर द नेगेटिव वन, इसका नेगेटिव साइड क्या है, बिकॉज यार मैं तो ऑब्वियसली अपने दिमाग में जब भी मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चलता हूँ हर चीज़ का, बट दिस इज समथिंग अनरियल, ये मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इमेजिन बहनचोद जो ऑलरेडी था मैं उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मतलब वही उसी में आई वॉज वेरी हैप्पी, बट ये मतलब फक हो गया यार, दिस इज नहीं है मेरे पास, तुम बहनचोद शक्ल देख लो, तुम्हें लगता है कि बहनचोद मेरे पास शब्द हैं बिल्कुल भी कुछ कहने के लिए, तब नहीं है यार, नहीं है, नथिंग। कॉन्ग्रेट्स ऑन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बिलियन, यस वरुण थैंक यू सो मच। भाई मेरे को भी खुद बिलीव नहीं हो रहा यार, मैं क्या बताऊं, योर वीडियो वाज नंबर ड्यू टू ओनली यूट्यूब का भी अलग, भाई अब पता नहीं यार नितिका क्यों कैसे ना, ठीक है मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ, तुम गाने से जो निकाल सकते हो निकाल लो, ऑनेस्टली उससे ज़्यादा अब मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कुछ भी उससे ज़्यादा मैं कुछ कह ही नहीं सकता, बट मे बी मैं इतना कहूँगा कि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं ना मेरे को इस फील्ड में, वैसे वैसे मुझे पता चलता जा रहा है, मतलब एक 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 क्यों हर साल ना मैं एक नई काइंड ऑफ लेयर अनलॉक करता हूँ, जो मुझे पता चलता है अच्छा बहनचोद ऐसा भी होता है इस, मतलब तुम इंडस्ट्री कह लो या फिर इस फील्ड में कह लो, तुम्हें जो कहना है, बट हर चीज़ की नॉट जस्ट पॉजिटिव, मतलब ऐसे नेगेटिवली भी नहीं पॉजिटिवली भी, बट दोनों साइड कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा पता चलता है जो मेरा दिमाग का ना बिल्कुल ऐसे खोल देता है, मेरे दिमाग तो ऐसे हो जाता है दिमाग मेरा फक 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 व्हाट द फक, ये कैसा ऐसा सभी होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो उससे पिछले साल हुई होती हैं जिनका कोई सेंस, जो पहले सेंस नहीं बना रही होती फिर वो सेंस बनाना चालू कर देती है, फिर समझ में आता अच्छा ये बहन चोद इसलिए होता है, अच्छा इसका ऐसा है, अब ऐसा है, हेलो कीबोर्ड चक्करों में ना मेरे को पढ़ना नहीं, प्रोफेसर दैट्स व्हाट वी जस्ट रिसीव्ड वर्ड दैट प्रोफेसर गेंकी हैज डिसाइडेड इन ऑनर ऑफ गेंकी 7 बनाने में मजा आ रहा है, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ स्टील है के ले ली भाई सबकी, ये हैशटैग एलकार हो बस हंसते रहा को भाई, सैड के अच्छा नहीं लगता, बाय द वे लव यू ब्रो। देखो यार मैं बता दूं, आई नो तुम लोगों को हमारे हमारी जैसी होंगी और मतलब मुझे देख के जो तुम्हें फील हो रहा होगा, बट जो वो वीडियो थी स्टॉप मेकिंग असम्पशंस उसका ये सीन था, देखो मेरे लिए ना वो बनानी मुश्किल थी, बनानी मुश्किल थी इन द सेंस ऑफ मतलब आई डोंट नो
मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं, बट जैसे जैसे मैं एक एक शब्द बोलने में उस वीडियो के, मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मली जब मैं बोलता हूँ ना, मेरे लिए देखो बोलना तो ऑब्वियसली एफर्टलेस होता है, बट उस वक्त बोलना इतना वो था इसका कोई हिसाब ही नहीं है, बोलना ही बहुत मतलब तुम अगर बीइंग मतलब जो भी तुम्हारी कला है, जैसे अगर एक जोक है या कुछ है, अगर तुम उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ना, तो वो मतलब चुपती है यार वो चीज कि अगर तुम ऐसे अगर अपना जोक एक्सप्लेन करना पड़े चुपती यार वो चीज। आई कैरी आई एम फ्रॉम कर्नाटका, वन डायलॉग प्लीज ब्रो। दुनिया मादर चोद थी, मादर चोद है और मादर चोद रहेगी। By the way, अगर तुम्हें नहीं पता जो म्यूजिक है वो मेरे भाई ने दिया है, और बैंड जो मैंने उसको कभी ऐसे खुद को भी तरह काम करते हुए नहीं देखा, मतलब ऐसे तुम मान लो जिसको कहते हैं ना शैतान आ जाए किसी में, पोजेस हो जाए इंसान और तब वो कुछ करे, वो लिटरली उसका मैंने वो रूप देखा, क्रेजी बैंड, मतलब बैंड शो क्रेजी, मतलब वो मान लो वो इस पूरे यलगार का बैकबोन है पूरी का, मतलब अगर वो नहीं हो नहीं मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाता। उसको बोला यश देख ऐसे कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है कि भैया बस हट ही जाए, खत्म ही हो जाए, सारा सीन खत्म हो जाए अपनी। मैंने बोल दिया, मैंने बोला उसको 100-110 नहीं भाई 200 की ना 220% लगाएंगे, मतलब पूरी जितनी जान हो सक जितना अंदर है ना सब लगा के उसका एक और स्टेप ले लेंगे हम, वो करना है हमें, क्योंकि मतलब तुम मानो ना मानो स्ट्रेस ना जब तक रिलीज नहीं हुआ है ना ये फक बेंचो जो क्रेजी लेवल का स्ट्रेस हुआ है। There are no challenges left. मतलब मैं देखो सही बता रहा हूँ, अगर इतना कुछ बड़ा नहीं होता तो मैं बता देता हूँ इतना कोई सीन है नहीं, जितना नॉर्मली हर वीडियो में होता है उससे तुम मान लो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेस था, खासकर इसके लिए बिकॉज ऐसी चीज़ें होती है ना। देखो अब तुम ये भी सोच सकते हो मेरे दिमाग में तो 50 चीज़ें चलती हैं, बैच पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, तुम्हें रेफरेंसेस समझ में आएगी नहीं आएगी, 50 चीज़ें होती है, जब तक वीडियो नहीं बनती तो पता ही नहीं चलता है। तो हम तो अपनी तरफ से जितना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं हम तो वो ट्राई करते हैं, तो बस हमने वही किया यार, हमने बस अपनी पूरी मैंने और यश ने हमने पूरी जान लगा दी। आओ एक बार शक्ल दिखा जाओ लोगों को, here we are, Genki fans, Apocalypse Genki. Today's match was created by Angry Tiger, putting her own spin on the classic super ethical reality climax. That's right, Bobby. And I hear there's new things in store for our mascots. I think Tammy can fill us in on that. Tammy? Thanks, Bobby. In the deepest, darkest corners of the jungle lives a great warrior, protected by fierce traps and mascots. Get any way? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और मतलब क्रेजी हो यार हम लोग, क्रेजी हो, प्यार एक छोटा शब्द है, शुक्रिया भी एक छोटा शब्द है, थैंक यू को मतलब आसपास भी नहीं, थैंक यू ऐसे कहीं गटर कचरे में पड़ा है उसकी तो कोई औकात ही नहीं रह गई, समझ रहे हो तुम इस लेवल पे चल रही है सिचुएशन।